श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? प्रदोष का व्रत आ गया है। ज्येष्ठ माह का यह प्रदोष का व्रत है। आप सभी को मनोकामना का धागा शिव मंदिर में जाकर बांधना है। यह गुरु जी का बहुत पुराना उपाय है, जिसमें से कई भक्तजनों ने यह उपाय किया होगा। बहुत सरल उपाय है, यह कोई कठिन उपाय नहीं है, परंतु इसको करने का एक तरीका, एक नियम है। आप गुरु जी की बहुत पुरानी, करीब 4-5 साल पुरानी कथा का श्रवण करेंगे, यूट्यूब में सर्च करेंगे कि गुरु जी का बेलपत्र में धागा वाला उपाय बताइए, तो पूर्ण रूप से सत्य पाएंगे। कोई भी मनगढ़ंत उपाय मेरे चैनल पर नहीं बताया जाता, तो विश्वास से करें। जहाँ विश्वास है वहाँ मेरे महादेव है, और आपकी मनोकामना इस विश्वास से आप करेंगे कि यह पूर्ण होगी, तो निश्चित ही आपको तत्काल इसका परिणाम बहुत सुखद मिलेगा। कब कैसे करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आप सभी को बतलाते हुए, ज्येष्ठ जो यह त्रयोदशी तिथि है, अर्थात प्रदोष का व्रत है, वह आवश्यक रूप से 4 जून के दिन धारण किया जाएगा। 4 जून के दिन मंगलवार का दिन हो रहा है। शास्त्र प्रमाण कहता है जब प्रदोष काल में, अर्थात शाम के समय त्रयोदशी तिथि व्याप्त होना, उसी तिथि को आपको प्रदोष का व्रत धारण करना चाहिए। तो 4 जून को प्रातःकाल 12:18 से त्रयोदशी तिथि शुरू होगी, और इसका समापन 4 जून 2024 की रात 10:01 के आसपास रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम के समय, प्रदोष काल का समय 7:16 से 9:18 के आसपास होगा। इसकी कुल अवधि 2 घंटे 1 मिनट के आसपास रह रही है। स्क्रीन पर मैंने सभी चीज़ें दी हुई है। अब उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुने। आपसे अनुरोध है, कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरंभ करते हैं। आप सभी को उपाय करने के लिए साधारण सरल तरीके से कितनी बेलपत्र लेनी है, 7 बेलपत्र। स्पष्ट स्वरूप में गुरुजी ने कहा है, नई ना हो तो पुरानी भी ले सकते हैं, जैसी है जिस स्वरूप में है। महादेव द्वारा बनाई गई यह चीज़ें हैं, प्रदत्त है हम सभी को और महादेव को ही समर्पित है। तो 7 बेलपत्र आपको पूजा की थाली में रख लेनी है। कच्चा सूत रखना है, जैसे मंगलवार के दिन मंगल की धातु होती है लाल रंग की, तो गुरु जी ने कच्चे सूत के लिए कहा है। आवश्यक नहीं है कि सफ़ेद रंग का ही ले, लाल रंग का ही ले, जैसा है आपके पास वैसा लीजिए, परंतु मैं दिन बार के अनुसार आपको नियम से बता रही हूँ, जिसमें कि 100% चांस होते हैं कि आपके उपाय फलित ही होंगे, इस बात की गारंटी होती है। देखिए जी, सही विधि से कोई कार्य किया जाता है तो फल तो उसका मिलना ही है। ऐसी स्थिति में आप सभी को लाल रंग के ही, मंगलवार का दिन है, रंग के कपड़े धारण करने चाहिए, लाल कलावा ही प्रयोग में लेना चाहिए। एक गोल बत्ती का घी का दीपक ले लेना है, और संभव हो, गर्मियाँ चरम सीमा पर हैं, महादेव को शीतल जल बहुत प्रिय है, ठंडा जल आप सभी ले लीजिए। मटके से ले सकते हैं, जैसा है जिस स्वरूप में है, पीतल हो गया, तांबा हो गया, स्टील हो गया, जैसा भी लोटा है उसमें आपको एक जल पूर्ण रूप से जल के लोटे को भर लेना है। उसके बाद आप सभी को आवश्यक रूप से इसे लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपको बैठ जाना है, और हमेशा ही, जब भी मैं हमेशा कहती हूँ, प्रभु का चिंतन करते हैं, अपनी मनोकामना कहते हैं, तो मंत्रों का जाप जरूर से करें। उससे हमारा मन तन प्रभु की भक्ति की ओर एकाग्र रहता है, और जीवन पर्यंत हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं। और मन और तन एकाग्र रहता है तो प्रभु का चित्त और ध्यान हमारी तरफ रहता है, और हमारा प्रभु की तरह रहता है। तो आप सभी को क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आप सभी को आवश्यक रूप से पूजा की थाली जो आपने तैयार की है, उसे आवश्यक रूप से आप सभी को जो है मंदिर लेकर चले जाना है, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं। अब यह उपाय आप सोचेंगे कि कौन सी मनोकामना के तहत करना है। आपके मनचाहा विवाह आप चाहते हैं, क्रोध अधिक आता है उससे मुक्ति चाहते हैं, बच्चों का गलत संगत है उनके सुधार के लिए, प्रतियोगी परीक्षा बच्चों की पास करवाना चाहते हैं, अच्छे नंबर, ट्रांसफर मनचाही स्थान पर, कोई भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा, कोई भी इच्छा हो उसी के लिए यह उपाय आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर घर कलेश इत्यादि को भी यह दूर करने का कार्य करेगा। तो कोई पैसा समय तो लगना है ही नहीं, क्यों ना हम सभी उपाय कर लें। तो कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। आप सभी को विशेष तौर पर 7 बेलपत्र, कच्चा सूत, गोलबत्ती का घी का दीपक और एक जल का लोटा लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख कर लें। जल का लोटा सबसे पहले समर्पित करें। उसके बाद आवश्यक रूप से आप सभी को क्या करना है कि नंदी जी महाराज के उठे हुए पैर की तरफ आपको बैठना है उपाय करने के लिए, परंतु उससे पहले जो जल का लोटा है उसे शिवलिंग पर समर्पित करें। जैसी आपकी इच्छा है उस स्वरूप में आप समर्पित करें, चाहे तो सबसे पहले गणेश जी महाराज, माता अशोक सुंदरी शिवलिंग पर, माता रानी हस्तकमल पर, कहने का अर्थ है इस तरह से भी कर सकते हैं। न कर पाने की स्थिति में साधारण सरल तरीके से पूरा शिवलिंग पर जल का लोटा आप सभी
समर्पित कर दीजिए। उसके बाद उपाय को परिपूर्ण करने के लिए एक गोल बत्ती का घी का दीपक जरूर से लगा दीजिएगा। तो एक गोल बत्ती का घी का दीपक आपको लगा देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर। उसके बाद आपको उपाय करना शुरू करना है, तभी आपका जीवन और उपाय जल्दी फलित होगा। कोई भी ऐसे ही आपसे कह रहा है इस तरह से करें, नहीं, उसे करने का एक विधान होता है। दीपक हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है। जल चढ़ाने से महादेव प्रसन्न होते हैं। नियम पूर्वक कोई उपाय करते हैं तो अत्यधिक इसे शुभ माना जाता है। अब आपने जो 7 बेलपत्र ली है, नई न हो तो पुरानी भी ले सकते हैं। आप सभी को पूजा आपने कर ली, शिव का श्रृंगार कर लिया, जल चढ़ा लिया, दीप लगा लिया, संपूर्ण विधान कर लिया, उसके बाद आपको अंत में उपाय करना है। कभी भी हम किसी भी कोई भी हम किसी के लिए सेवा करते हैं तो सबसे पहले उनसे मीठा बोलते हैं, अपने मन की बात कहते हैं, उनकी सेवा चाकरी करते हैं, उन्हें जल इत्यादि पिलाते हैं, चाय पानी का प्रबंध करते हैं, उसके बाद अपने लिए मांगते हैं तो वह ज़्यादा दयालु होते हैं। व्यवहारिक स्वरूप में कहा जाए तो वही बात यहाँ पर भी लागू होती है। आप शिव मंदिर गए, ना कोई आपने सेवा भावना की, ना कहीं प्रभु का धन्यवाद किया, ना प्रणाम किया, और सीधे उपाय के लिए कि प्रभु मुझे यह दे दीजिए, यह सही प्रक्रिया नहीं होती है। सही प्रक्रिया और सही नियम से कार्य किया जाता है तो उपाय जल्दी फलित होता है। तो आप सभी को जो बेलपत्र आपने साथ ली है, वह आपको नंदी महाराज के उठे हुए पैर की तरफ आपको बैठना है। सबसे पहले बैठ जाना है और उस जो है बेलपत्र में आपको मौली को लपेट लेना है। कहाँ लपेटना है? डंडी की तरफ आपको मौली की जो है पूर्ण रूप से लपेट लेना है। तो 7 बेलपत्र को मौली की तरफ आपको पूर्ण रूप से लपेट लेना है। अब कितनी बार लपेटना है ऐसा कोई मापदंड नहीं है, जितना आपको मन करे उतनी बार आप मौली में लपेट लीजिए। उस बेलपत्र की डंडी को कहने का अर्थ है। तो आपने लपेट लिया, उसके बाद आप सभी को उस बेलपत्र के आगे के हिस्से में लगा देना है चंदन। ठीक है, बेलपत्र के आगे के सिरे में आपको चंदन लगा देना है। चाहे तो लाल चंदन लगाएं, चाहे तो पीला चंदन लगाएं, इच्छा आपकी है। आपको लगा देना है आगे के सिरे में चंदन। चंदन लगाने के बाद अब इस बेलपत्र को लेकर अपनी मनोकामना जरूर से बोले, इस बात का ध्यान रखें। और आपको साधारण सरल तरीके से इन 7 बेलपत्र को एक के ऊपर एक रखकर डंडी में मौली लपेट कर आगे के हिस्से में सिरे में चंदन लगाकर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इस तरह से आपको साधारण सरल सा उपाय करना है, परंतु नियम के तहत आप देखेंगे आपके मनचाहा विवाह हो रहा है, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो रही है, रोग कर्ज से मुक्ति हो रही है, ट्रांसफर इत्यादि की जो भी दिक्कत है, सभी तरह की परेशानियां जीवन में पूर्ण रूप से खत्म होकर हर कार्य में सुधार हो रहा है। तो करके देखिएगा, महादेव खुशियों के भंडार भरेंगे और जीवन में जो चाहेंगे आप प्राप्त कर लेंगे। तो करके देखिए, लाख गुना फलों की प्राप्ति में यह उपाय सहायक है, शास्त्र वर्णन कहता है। तो आप सभी को यह उपाय प्रैक्टिकल स्वरूप में एक बार करके देखना है, खुशियों से जीवन भर जाएगा। तो इस तरह से आप करके देखिएगा, झोली पसारे अपनी मनोकामना कहें, रोग संकट पीड़ा कहें, प्रदोष व्रत के दिन चाहें तो प्रदोष काल में करें, चाहे तो सुबह करें, जब भी आपकी इच्छा हो तभी कर लीजिएगा। हर हर महादेव।